भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के विरोध में बुधवार को CPIM कार्यकर्ताओं ने नाहन स्थित दिल्ली गेट पर महंगाई का पुतला फूंका तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान माकपा सचिव राजेंद्र ठाकुर ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा को केंद्र में सत्ता पर काबिज हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन महंगाई को कम करने के बजाय सरकार द्वारा लगातार महंगाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते आज मध्यम वर्गीय लोगों सहित गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी सत्ता में काबिज होने से पहले लोगों को महंगाई से निजात दिलाने को लेकर बड़े बड़े वादे करती थी, लेकिन सत्ता में आते ही ये सब भूल गई। उन्होंने कहा कि खाने पीने की वस्तुएं, तेल, साबुन, सीमेंट, सरिया, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर हर तरह के सामान की कीमतें 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकारें जनता को मुफ्त में सिर्फ भाषण दे रही हैं। जनता के बीच लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। एक तरफ रोजगार नहीं है तो दूसरा महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि CPIM सरकार की इस नालायकी का विरोध करती है तथा CPIM जून में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे गंभीर जन समस्याओं को लेकर जनता में प्रचार अभियान शुरू करेगी। केंद्र व प्रदेश सरकार बड़े बड़े धरना सेटों के लिए काम कर रही है। जनता से भाजपा का कोई सरोकार नहीं है, इसलिए ये सरकार किसान, मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान विरोधी सरकार है। इसके अंदर CPIM इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है कि पिछले लंबे समय से, जब से भाजपा नीत सरकार सत्ता में आई है 2014 से लेकर, देश के अंदर आम लोगों का जीना जो है वो दूभर हो चुका है। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। लोग अगर बड़ी मुश्किल से अपना कोई मकान बना लेते थे तो आज जो है सीमेंट और सरिया उसकी 4-4 गुना जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई है। घर में बिजली का बल्ब अगर लगाना है तो, और अगर कोई और जो है वहाँ स्विच लगाना है तो 4-4 गुना जो है उसकी कीमतें बढ़ा दी गई है। और आज देश के अंदर जो है पेट्रोल की कीमतें आप देखिए, डीजल की कीमतें आप देखिए, रसोई गैस की आप कीमतें देखिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज CPIM पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, हम ये पुतले भी जला रहे हैं देश के अंदर आज जगह जगह, हम सरकार को ये चेतावनी देने के लिए कि आप जो है खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें आपने वस्तुओं की बढ़ाई है, चाहे वो तेल है, चाहे वो दूसरी चीजें हैं, साबुन है। हिमाचल दस्तक, वेब टीवी के लिए नाहन से धर्म सिंह।